ऐसे तो फिजिकली बंद है, लेकिन हमारे तालीम का सिलसिला जारी है। तमाम आला अफसरान और असातिज़ा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को तालीम पहुंचे, और आप लोगों से भी ताउन की और कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं। ये इसी लॉकडाउन की वजह से हमारे में ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया है, और आज इसी मकसद के तहत हम ऑनलाइन तालीम से जुड़े हुए हैं। आज 11 अगस्त 2020 दिन मंगल, ठीक है। यहाँ बच्चों गौर से सुनो, यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसको गौर से सुनना है, समझना है, याद भी रखना है। तालीम के दौरान आप सबके माइक म्यूट होने चाहिए, वरना डिस्टरबेंस होगा, और सिर्फ पूछने पर ही आप, जब आपको जवाब देना है तभी आप माइक ऑन करो, जवाब दो, और उसके बाद वापस से उसको ऑफ कर दो, ठीक है, ओके। तो आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हमारी किताब जनरल साइंस सातवीं जमात में सबक नंबर 5 गिजाई अशिया की हिफाजत। ये सबक वैसे तो आप लोगों का कल से ही शुरू हो चुका है, आज हम इसी सबक को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। पहले पहले मैं कुछ एकदम आसान आसान सवालात पूछूंगी, आप उन सवालात के जवाब दो, लेकिन जवाब देने के बाद माइक प्लीज ऑफ कर देना, डिस्टर्ब नहीं करना, पर जवाब देने के लिए माइक ऑन करना, ठीक है। चलो अब मैं सवाल पूछती हूँ, एकदम आसान है, हर बच्चा जवाब दे सकता है इसका। बच्चों बताओ, भले से लॉकडाउन हो या स्कूल हो, बच्चों का उमूमन पसंदीदा काम क्या होता है? बच्चे उमूमन क्या काम करना पसंद करते हैं? टीचर पढ़ना। पढ़ना पसंद करते हैं, वेरी गुड। और खेलकूद। खेलकूद, वेरी गुड। और खेलना। खेलना पसंद करते हैं, पढ़ाई करना पसंद करते हैं, मस्ती भी करते हैं, है ना। ये सब कामों के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? पढ़ाई करने के लिए। हाँ, पढ़ाई करने, खेलने, मस्ती करने, माँ बाप की मदद करने, किस चीज की जरूरत होती है? क्या चाहिए हमको जी? हाँ, तवा नहीं। माइक किसका चालू है, जरा ऑफ कर दो बच्चा, ठीक है। इन सब कामों के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, क्या बताया तुमने? तवा नहीं। तवा नहीं यानी ताकत, है ना। अच्छा, ये तवानाई हमको किस चीज से हासिल होती है? तवानाई। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत जहीन हो तुम लोग। ये तवानाई हमको हासिल होती है खाना खाने से या गीता से, लेकिन सिर्फ हमको खेलने, पढ़ने और मस्ती करने और टाइम पास करने के लिए ही तवानाई चाहिए। जो लोग खेलते नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, एकदम बूढ़े हैं या एकदम बच्चे हैं, क्या उनको खाने की जरूरत नहीं होती? उनको तवाने की जरूरत नहीं होती? होती है। वेरी गुड, होती है। उन बच्चों को भी खाने, उन लोगों को भी गिजा की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो गिजा जो है ये हमारे लिए निहायत जरूरी है। हर जानदार को जिंदा रहने के लिए गिजा की जरूरत होती है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क ने भी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। मुख्तलिफ किस्म के अनाज, फल, सब्जी, तरकारियां वगैरह काफी मिकदार में दस्तियाब है, मगर फिर भी हमारे मुल्क और दुनिया के बेशुमार लोग
रोजाना भूखे पेट सोते हैं। और देखो बच्चों, जब हम रोजा रखते हैं, जो रोजा रखते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास होगा कि भूख की कैफियत क्या होती है, भूख लगने पर इंसान की हालत क्या होती है, खराब हो जाती है, खराब हो जाती है ना। और जो है, और रोजा रखने का एक मकसद हमारा ये भी है कि हम उन गरीब लोगों के बारे में उनकी तकलीफ को हम महसूस करें। वेरी गुड, वेरी गुड, दुआ कर सकते हैं, वेरी गुड। और हम उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जब हम उस तकलीफ को जाती तौर पे भी महसूस करते हैं, कोई भी हो, हम हो या कोई और भी हो, जब जाती तौर पे महसूस करता है तो उसको जो है ये दिल से एहसास होता है कि हमको ऐसे गरीब और जो है जरूरतमंद और हाजतमंद लोगों की मदद करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। वेरी गुड, हमको उन लोगों की मदद करनी चाहिए, दुआ भी करना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। ये इन सब हालात में हमारा ये पहला फर्ज बनता है कि हम जो है वो गिजा को बर्बाद होने से बचाए। अभी कल हमने जो है देखा, सुना, हमने समझा कि गिजा को किन किन तरीकों से बर्बाद किया जाता है। हम बहुत सारे लोग बची हुई गिजा उठाकर फेंक देते हैं और क्या करते हैं, और कभी खाना अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, एक दोने वाला खाते। वेरी गुड, खाना अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत ज्यादा नहीं खाते और खा के छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं और वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सब जो है। और शादियों में वगैरह में हम जाते हैं तो बहुत सारा खाना लेते हैं और जाया कर देते हैं, या घर में हम बहुत सारा अनाज लेकर आ जाते हैं और उसका स्टोरेज यानी उसका तहफ्फुज़ का तरीका हमारा सही नहीं होता है तो उसमें भी बहुत सारी गिजा हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है और हो जाती है, खराब हो जाती है, जाय हो जाती है। वेरी गुड। तो ये जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की बुनियादी जरूरियात है, यानी एकदम बेसिक नीड है। इनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब रोटी के तो बगैर, गिजा के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। तो गिजा हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। तो जो चीज जितनी ज्यादा जरूरी और कीमती होती है उतनी ही उसकी हिफाजत की हमको फिक्र करनी चाहिए। किसी बच्चे ने हाथ उठाया है, कौन है ये इलियाशा, क्या कहना है आपको? कुछ नहीं ना, ठीक है। इतनी ही उसकी हिफाजत की हमको फिक्र करना चाहिए और खराब होने से, बर्बाद होने से हमको बचाना चाहिए। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं और आगे का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो है वो यही है कि हम जो है गिजा की हिफाजत किस तरह करें और उसका तहफ्फुज किस तरह करें। देखो, गिजा की हिफाजत करने का मतलब होता है, मेरी बातों को गौर से सुनो हाँ, ये सुनने के बाद मैं सिंपल सिंपल सवालात करूंगी yes, ma'am. और आपको जो है उसके जवाब देने हैं। इसके लिए हर एक बात को गौर से सुनो, ठीक है। तो गिजा की हिफाजत करने का मतलब होता है गिजा को खराब होने से बचाना, और गिजा का तहफ्फुज करने का मतलब होता है कि गिजा को लंबे समय तक, बहुत देर तक अच्छी हालत में रखना। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, याद रखना इस फर्क को, मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है। अभी जो हम ये गिजा की देखभाल और गिजा की हिफाजत जो हमने अभी सुने, इसको मैं आपको जो है आपके मोबाइल पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप उसको सुनो और मेरी आवाज आपको आएगी। और अपना माइक प्लीज बंद रखना, ओके। सबने अपना माइक बंद किए ना, ओके। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने ईयरफोन बराबर लगा? यस टीचर।
कॉग्निटिव साइंस सातवीं जमात सबक नंबर 5 गिजाई अशिया की हिफाजत गिजा का जखीरा और तहफ़ जैसा कि अभी आपने बताया कि नशोनुमा के लिए और खेलने के लिए पढ़ाई करने के लिए और मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए अच्छी सेहत के लिए बीमारियों से बचने के लिए टीचर आवाज नहीं आ रही है बचने के लिए माइक करीब लीजिए हमको गिजा की जरूरत होती है अभी आ रही है वैसे तो हमारे मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है मुख्तलिफ किस्म के अनाज फल सब्जी तरकारियाँ मछलियाँ दूध काफी मिकदार में दस्तियाब है इसके बावजूद आज भी हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में बेशुमार लोग रोजाना भूखे पेट सोते हैं इन हालात में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम गिजा को बर्बाद होने से बचाएं, उसकी हिफाजत करें और गिजा का तहफ्फुज़ करें आलमी यौम तहफ्फुज़ गिजा हम इसको मनाते हैं 16 अक्टूबर को और इस दिन हम जो है गिजा की बर्बादी से बचने के तरीके बच्चों को बताते हैं लोगों को और इसके अलावा गिजा की हिफाजत की अहमियत से भी बच्चों को वाकिफ करा गिजा का जखीरा और तहफ्फुज गिजा का जखीरा करने और तहफ्फुज के कई तरीके माइक करीब में लीजिए नंबर 1 गिजा को सर्द करना जी सर नंबर 2 को खुश्क करना क्या हुआ सर नंबर 3 उबालना नंबर 4 हवा बंद डब्बों में महफूज करना इन मुख्तलिफ तरीकों के जरिए घड़ी तो ना घड़ी होने वाले कुटुंबी जानदारों की अफजाइश रोकी जाती है गिजा की देखभाल और उसका तहफ्फुज गिजा की हिफाजत मुख्तलिफ वजूहात से गिजा में कुटुंबी जानदारों की अफजाइश होकर गिजा का खराब होना कीड़े लगने से गिजा को महफूज रखना यानी गिजा की हिफाजत करना गिजा में शामिल अज्जा में होने वाली मुजीर तब्दीली से गिजा को बचाने और उसे तवील अरसे तक बेहतर हालत में रखने के लिए तहफ्फुज़ी अशिया का जैसे विनेगार सोडियम बेंजोएट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके को गिजा का तहफ्फुज कहते हैं गिजा का तहफ्फुज इसके 7 तरीके हैं नंबर 1 सर्द करना नंबर 2 धुआं देना नंबर 3 हशरात कश दवाओं का इस्तेमाल नंबर 4 शुआपाशी नंबर 5 गैस का इस्तेमाल ये तमाम तरीके याद रखो हाँ तहफ्फुज़ी अशिया का इस्तेमाल नंबर 7 पोस्चर आना इन 7 तरीकों के जरिए हम गिजा को तवील अरसे तक बेहतर हालत में रख सकते हैं अब हम एक एक करके इन तरीकों को देखते हैं पहला है सर्द करना आपने अपने घरों में देखा होगा कि गिजा को ज्यादा देर तक महफूज रखने के लिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ठंडी जगहों पर कीमियाई तामुलात की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और खुर्दबीनी जानदार की का जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल होता है इसीलिए हम घरों में चीजों को फ्रिज में रखते हैं मॉल्स वगैरह में भी फ्रिजों में सामान रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज होते हैं ताकि तहफ्फुज का दूसरा तरीका एल्युमिनियम फास्फाइड के जरिए धुआं देना एल्युमिनियम फास्फाइड के टेबलेट्स या सैचे जखीरा किए हुए अनाज के बोरों में के करीब रख दिया जाता है और मुकम्मल तौर पर उसको ढक दिया जाता है इससे उसमें मौजूद कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं गिजा का तहफ्फुज इसका तीसरा तरीका हशरात कश दवाओं का इस्तेमाल करना
इस तरीके में बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि एक आदमी जो है पाइप लेकर के अनाज के बोरों पर कुछ डाल रहा है, ये पानी नहीं है, ये जो है स्प्रे कर रहा है। इसमें क्या है, जो जीराशिम कश दवाएं होती है उसका एक खास तौर पे नाम है, जो अनाज फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है मेलाथियोन। इसका जो है वो उस गोलियों पर छिड़काव कर रहा है। ये फोटो देख रहे हो आप, क्या है ये जो एक्सरे निकालते ना, ये वो है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को एक मशीन के आगे खड़ा कर देते हैं और पीछे से देखो यहाँ पर उसके ऊपर लाइट डाली जा रही है और फिर कुछ इस तरह से हमको रिपोर्ट दी जाती है। इतना तो अभी सबको मालूम है, ये जो पीछे से फ्लैश मारा जा रहा है ना, एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्सरेज। इसी तरह की और भी रेज होती है और उनको नाम दिया गया है अल्फा बीटा गामा। रेज को उर्दू में कहते हैं शुआ। तो गिजा को भी महफूज रखने के लिए हम उस पर शुआपाशी करते हैं। इस अमल में गिजाई अशिया पर बर्क पारों का छिड़काव करते हैं। मसलन ज्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर के जरिए तैयार करदा एक्स शुवाएं और तापकार हमजा से खारिज होने वाली गामा शुवाओं के जरिए कुर्दबीनी जानदार फपून और कीड़े खत्म हो जाते। फलों के तैयार होने की मुद्दत बढ़ती है और नुकसान कम होता है। ये अकवा निकला हुआ आलू, अकवा निकला हुआ प्याज, अगर हम मार्केट जाकर ये सब चीजें खरीदेंगे क्या? नहीं ना, तो दुकान वाले को मजबूरन वो चीजें फेंकनी पड़ेंगी। इस तरह पैसा और गिजा दोनों भी जाए। इस नुकसान से बचने के लिए हम शुआपाशी करते हैं, जिससे अकवा निकलने का अमल स्लो हो जाता है और गिजा ज्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहती है। गिजा का तहफुज। पांचवा तरीका, गैस का इस्तेमाल करना। और इस तरीके में हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है बताने की तो जरूरत ही नहीं, मुंह में तो पानी आ रहा है। पोटैटो चिप्स, स्नैक्स वगैरह जो हम खाते हैं दुकान से खरीद कर, हम दुकान से इसके पैकेट्स खरीदते हैं। इन स्नैक्स को ज्यादा दिन तक कुरकुरे रखने के लिए और ताजा रखने के लिए इसको हवा बंद पैकेट में बंद करते हैं। अगर सही तरीके से उसकी पैकिंग नहीं करेंगे हम, तो ये जो स्नैक्स और चिप्स है ये खराब हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और मजेदार भी नहीं रहेंगे। चिप्स और दूसरी गिजाई अशिया हवा बंद पैकेट में भरते वक्त नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके उसमें मौजूद कीड़ों और फफून की नशोनुमा रोकी जा सकती। देखो कैसे उसके अंदर चिप्स में नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है, जिससे वो बहुत दिन तक महफूज रहते हैं। अब हम आते हैं गिजा का तहफुज, इसका छठा तरीका, तहफुजी अशिया का इस्तेमाल। इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक कुदरती तहफुजी अशिया और इसकी दूसरी किस्म है कीमियाई तहफुजी अशिया। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अम्मी दादी नानी घर में अचार मुरब्बा पेठा वगैरह चीजें बनाते हैं। ये बनाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता है, इसमें डाला जाता है भरपूर नमक डाला जाता है और शक्कर का इस्तेमाल होता है और तेल का इस्तेमाल होता है। शक्कर, नमक, तेल, ये कुदरती तहफुजी अशिया है। इनकी मौजूदगी में मुजीर जानदारों की कुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश नहीं होती। कीमियाई तहफुजी अशिया, इसमें खास तौर पर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट,
नाइट्रेट और नाइट्राइट्स शामिल होते हैं। इन कीमियाई तहफुजी अशिया का इस्तेमाल करके सॉस, जेली, जैम पकाने के लिए तैयार तरकारियां और गिजा वगैरह के पैकेट तैयार करके इन्हें काफी दिनों तक महफूज रखा जा सकता है। गिजा का तहफुज। इसका सातवां तरीका पोस्चराना। पोस्चराना में इस तरीके में दूध या इस तरह की अशिया को एक मखसूस दर्जे हरारत तक, मसलन दूध को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट गर्म किया जाता है और बाद में इसे तेजी से ठंडा करते हैं। ये तस्वीर देख रहे हो आप, इसमें एक सिरे पर भैंस है, यानी हम ताजा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो लाल चलता हुआ निशान, ये हीटिंग सेक्शन है, यानी यहाँ दूध गर्म किया जा रहा है। उसके ऊपर एक घड़ी की तरह एक टेम्परेचर बताने वाली आला दिख रहा है। इसमें दूध को 80 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद देखो ब्लू वाला सेक्शन हमको दिख रहा है, ये कूलिंग सेक्शन है, यानी यहाँ अब दूध को बहुत ठंडा किया जाता है, चिल्ड किया जाता है। और फिर उसके आखिरी सिरे पर दूध की बॉटल है, यानी इसमें दूध जमा किया जा रहा है। अब हम ये सोचेंगे कि दूध को इतना गर्म करके ठंडा करने की क्या जरूरत है। जब हम गर्म कर रहे हैं करते हैं तो उसमें से पैथोजिन यानी जीराशिम मर जाते हैं, लेकिन कुछ कुर्तुबीनी जानदार अभी भी ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, तो उनको बहुत चील्ड यानी ठंडा करके खत्म कर दिया जाता है। जैसे भी हो, ऐसे या वैसे दूध खराब करने वाले कुर्तुबीनी जानदारों से दूध को पाक करके ही दम लेते हैं, ताकि हम ज्यादा अरसे तक इसको खराब होने से बचा सके। इस तरीके को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। चूंकि ये तरीका लुई पॉस्चर ने ईजाद किया, इसलिए इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। जो हम पैकेट का दूध घर में लाते हैं, देखो उसके ऊपर पॉस्चराइज लिखा रहता है। तुम लोग भी इसके बाद में देख लेना, जो पैकेट आती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, देखे सुने आपने? हाँ टीचर। अच्छा इतना, एक मिनट, अभी 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 आप माइक ऑन मत करो। मैं है ना, अभी आपको इतना पसंद आया है तो मैं पहले चेक करूंगी कि तुमने गौर से सुने भी कि नहीं सुने। और मेरे पास चेक करने का एक ही रास्ता है कि मैं सिंपल सिंपल सवालात पूछूंगी और तुमको जो है उसको उसके जवाब देने हैं। इससे पहले मैं जो तुमने देखे हो, एक थोड़ा सा हल्का सा मैं बता देती हूँ कि हमने गिजा को महफूज करने के जो है तहफूज करने के 7 तरीके पड़े। सर्द करना, धुआं देना, कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव करना, शिवापाशी, गैस का इस्तेमाल, तहफुजी अशिया, पॉस्चराना, फिर कुदरती तहफुजी अशिया, शक्कर, नमक, ऑयल। और लुई पाश्चर ने इस पॉस्चराना को ईजाद किया था, इसके लिए इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। अभी मैं एकदम आसान सवाल पूछूं? हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ, तुमको स्क्रीन पर ही दिखेगा, देखो। हाँ पढ़ू मैं सवाल?
आवाज आ रही है मेरी? हाँ टीचर आ रही है। हाँ देखो अभी है ना माइक नहीं खाली है ना। अच्छा मैं बीच में पूछूंगी नहीं, तुम लोग को खाली जवाब देने का रहेगा तभी माइक ऑन करना। गीजा की हिफाजत, गीजा की हिफाजत यानी क्या? एक बोलने का एक। हाँ कोई एक टीचर मैं। हाँ बोलो। गीजा को खराब होने से बचाना। वेरी गुड वेरी गुड। अभी दूसरा सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर, गीजा का तहफुज यानी क्या? टीचर मैं बोलूं? टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलो ना बोलो, जिसको भी है जवाब बोलो। हाँ गीजा का तहफुज यानी गीजा को ज्यादा देर तक चलाना। वेरी गुड वेरी नाइस। आलमी यौम तहफुज गीजा कौन से दिन मनाया जाता है? तारीख याद है? 14 अगस्त। एक 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 नो नो। हाँ बोलो। 16 अगस्त। नो याद करो याद करो। नो बोलो बोलो। नो कोई एक सही से बोलो। 16 महीना गलत बोल रहे हो। 16 टीचर 15 अगस्त। नहीं नहीं 16 अक्टूबर। वेरी गुड वेरी गुड। जिसने भी ये जवाब दिया 16 अक्टूबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, गीजा की हिफाजत के कितने तरीके हमने यहाँ पढ़े? 7। सही है। तो, अच्छा एक मिनट। हाँ अभी तुम लोग है ना माइक ऑफ करना और रेस करना। और सर सर ही मेरे इसमें किसने हाथ उठाया मुझे दिख नहीं रहा है, तो सर ही तुम लोगों को जवाब देने के लाओ करेंगे। ठीक है, कौन कौन से तरीके पढ़े तुमने? हर मतलब एक बच्चे ने एक एक जवाब देने का। हाँ बोलो। सर्द करना। हाँ बोलो। सर्द करना। सर्द करना। एक मिनट कोई मुझे आवाज दिया टीचर मैं। अच्छा ठीक है, दूसरा तरीका टीचर मैं बोलूं? देखो एक मिनट मैं नहीं करना, जिसको जवाब देना है वो किसी एक बच्चे ने जवाब देना। एक सर्द करना, दूसरा धुआं देना। वेरी गुड, धुआं देना। वेरी गुड। और किसी एक बच्चे ने पॉस्चराइजेशन भी कहा, वो भी सही है। 3 हो गए। अब चौथा कीड़े मारने की दवा। वेरी गुड, कीड़े मारने। अच्छा एक के बाद एक, कीड़े मार दवा का छिड़काव करना ये भी सही है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी किसी ने कहा, गैस का इस्तेमाल, नाइट्रोजन। वेरी गुड। हाँ बोल, एक ही रह गया है। वो जो रेस हमने देखे थे वो कौन सी थी? चूहा दिखे थे। हाँ एक्सरेज। हाँ उसको क्या बोलते हैं? शुआ पाशी करना। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। गीजा को सर्द करने के लिए अभी मैं जिसको जो जो बच्चे है ना मैं एक एक का ही नाम लूंगी, सब लोग ने नहीं बोलना। गीजा को सर्द करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हीटर का या सर्द खाने का? मदीहा है? मदीहा बोलो। मुझे तुम्हारे हाथ नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलो कोई एक बोल दो। सर्द खाने का। वेरी गुड, सर्द खाने का हम इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल हम नहीं करते। वेरी गुड। अब उसके बाद दूसरा सवाल, बड़े होटलों में गिजाई अशिया को किस तरह सर्द किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज में क्या गर्माला में? कोल्ड स्टोरेज। वेरी गुड, किसमें गरम करते हैं हम? कोल्ड। ठीक है चलो, अभी मैं पूछते जाऊंगी खाली। हाँ घरों में गिजाई अशिया को किस तरह सर्व करते हैं हम? क्या रखते हैं घरों में? रेफ्रिजरेटर रखते हैं। फ्रिज में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर। हाँ फ्रिज रखते हैं। वेरी गुड। अभी और सवाल पूछती हूँ मैं, चिप्स वगैरह को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वेरी गुड, कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं हम? नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, ये हो गए ना। एक मिनट और। हाँ
आलू प्याज निकलने से रोकने के लिए क्या करते हैं? सर जगहों पे रखते हैं कि शुवापाशी करते हैं? शुवापाशी, शुवापाशी करते। देखो तुम लोग सब एक साथ जवाब दे रहे हो। हाँ कुदरती, मेरे पास है ना, मुझे मेरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है कि कौन हैंड रेस कर रहा है, मेरे मोबाइल में वो है नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुदरती तहफ्फुज़ी अशिया कौन सी है? शक्कर नमक है कि साइट्रिक एसिड है? अरे सब एक साथ बोल रहे। पॉश्चर आना में दूध को कितने दर्जे तक गर्म करते हैं? 80 डिग्री। अरे तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि मेरे सवाल पढ़ने। माइक बंद प्लीज। तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि मेरे को सवाल पूछने से पहले ही तुम्हारे जवाब हाजिर हो जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं समझ गई। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चों। अभी हम आते हैं सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है? देखो अभी हमने ये पढ़ा कि गिजा की हिफाजत कैसे करते हैं, गिजा का तहफ। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? टीचर। हाँ हाँ, माइक 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 तुम्हारा ऑफ रखो। एक्चुअली इतना सन्नाटा हो गया था तो मुझे लगा शायद आवाज नहीं आ रही। ठीक है माइक बंद ही रखो, मेरे खाली सवाल सुनो, मेरी मालूमात खाली सुनो। अभी जो है हमने ये देखा कि गिजा की हिफाजत कैसा करते हैं, उसका तहफ्फुज किस तरह करते हैं। अब हम आते हैं एक दूसरे बहुत ही सीरियस टॉपिक की तरफ, और वो है गिजा में मिलावट। हाँ, कुछ लोग अपने जाति फायदे और लालच में आकर गिजा में मिलावट करते हैं। और मिलावट करना यानी क्या होता है एक्चुअली बच्चों? के मिलावट करने का मतलब होता है कि खाने पीने की चीजों में कोई सस्ती वाली या कोई नुकसान देने वाली चीज जो रंग में और शक्ल में असली दिखती हो वो उसको मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो थोड़ी सी चीज होती है वो ज्यादा हो जाती है, और जो लालची और खुदगर्ज लोग होते हैं वो उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, तो मिलावट हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जवाब मत दो, मैं देर अभी मैं है ना तुम लोगों को इस गिजा में मिलावट के बारे में अपनी स्क्रीन पर देखो, जैसा हमने पहला देखे थे ना वैसे ही देखो। मैं अभी तुमको कुछ बता रही हूँ और मेरी आवाज सुनो, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जरा सा सबर करो। माइक बंद करो, जिसका भी चालू है माइक बंद करो। अब हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, और वो है गिजा में मिलावट। आपके किताब के पेज नंबर 38 पर एक टेबल दिया हुआ है, और इसमें आपको लिखना है कि कौन सी गिजा है। जवाब दो, आवाज आ रही है ना, बराबर दिख रहा है ना? तो आइए अब हम शुरू करते हैं। वेरी गुड। पहले लेते हैं दूध। दूध में मिलावट की जाती है पानी की। दूसरे नंबर पर है लाल मिर्च, इसमें मिलावट की जाती है ईंट का सफूफ। तीसरे नंबर पर है काली मिर्च, इसमें मिलावट करते हैं पपीते के बीज की। चौथे नंबर पर है आइसक्रीम, इसमें मिलावट की जाती है कागज की लुगदी या कपड़े धोने का सोडा। गिजा में मिलावट का पता कैसे लगाएं? देखेंगे हम पहले दूध से, इसमें मिलावट होती है पानी की। एक कांच की स्लाइड लेंगे, दूध का कतरा लेकर स्लाइड पर उसको थोड़ा तिरछा करके हम बहाएंगे। जांच, प्योर दूध का कतरा आहिस्ता आहिस्ता सफेद निशान छोड़ता हुआ नीचे बहेगा, और जिस दूध में पानी मिला हुआ रहेगा वो तेजी से बह जाएगा और अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। नंबर दो, अब आते हैं हम मिर्ची के टेस्ट की तरफ। इसमें मिलावट की जाती है ईंट के सफूफ की। एक चम्मच मिर्ची का सफूफ लेकर उसे एक बीकर में लेकर पानी से आधा भर कर
महलूल को अच्छी तरह उसको हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए साकीन रख देंगे। अगर पानी की तह में सुर्ख मादा जमा हो जाए तो मिर्च के सफूफ में ईंट का सफूफ मिला हुआ है। अब हम देखते हैं हल्दी पाउडर और इसकी जांच कैसे करें। इसमें मिलावट की जाती है मैटेनल येलो की। एक कांच के बर्तन में चुटकी भर हल्दी का पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हिला करके अच्छी तरह हिला लेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डालेंगे। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से इस पानी का रंग अगर लाल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हल्दी में मिलावट है मेटेनल येलो की। अब हम देखते हैं कि रवे के अंदर किस तरीके से मिलावट होती है। रवा यानी सोची, रवे में मिलावट की जाती है की। हम रवे पर एक मकनातीस घुमाएंगे, मकनातीस यानी मैग्नेट। तो क्या होगा, लोहे के जर्रात मकनातीस से चिपक जाएंगे। अगर मकनातीस से जर्रात चिपक रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि रवे में लोहे का बुरादा मिलाया हो। गिजा में मिलावट इस तरह भी होती है। गिजाई अशिया में से कुछ अज्जा अलग कर लेना, जैसे दूध से चर्बी, लौंग इलायची से तेल, कम दर्जे की सस्ती या गैर तगजियाती या नुकसानदार रंग मिलाना, ये भी मिलावट होती है। मुजिर शय का इस्तेमाल जैसे कंकर, लोहे का बुरादा या पाउडर, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का भूसा, ठीक है। देखे बच्चों, हाँ तो ये सब जो है, ये सब जो है मिलावट होती है हमारे गिजा में। अब इसी तरीके से और एक बार जो है तुम अपने स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर मैं जो है कुछ पढ़ रही हूँ और तुमको जो है इसको देखना है। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ टीचर, हाँ टीचर दिख रहा है। देखो मैं इसको पढ़ रही हूँ तो एक लाल निशान आपको दिखेगा, एक पढ़ता हुआ निशान आपको दिखेगा, वो लाइन पे देखना मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, देखो मैं पढ़ती हूँ। इसे हमेशा जहन में रखिए, फूल फलों को जायकादार और पुरकशिश बनाने के लिए इनको कीमियाई मादों का इंजेक्शन देते हैं। देखो फल जो हम खाते हैं ना, जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, उनको जायकादार यानी टेस्टी बनाने के लिए और अच्छे दिखने के लिए, लाल भड़क दिखने के लिए, हम जो बेचने वाले लोग होते हैं वो कीमियाई मादों का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना नुकसानदायक है ना ये हमारी सेहत के लिए। हाँ, और दूसरा, दूध में चर्बी की मिकदार बढ़ाने के लिए दूध वाले इसमें यूरिया मिलाते हैं। क्या मिला रहे हैं यहाँ पे, देखो यूरिया, यूरिया है ना जो खाद में मिलाया जाता है। कितना नुकसान करते हैं, अपने नुकसान को कम करने के लिए कई बार व्यापारी हवा बंद डब्बों और पैकेटों पर की मुद्दत इस्तेमाल की तारीखें बदल देते हैं। देखो कितना गलत काम करते हैं ना ये लोग। क्या करते हैं लोग, पैकेट जो होता है उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है उसकी ही तारीख बदल देते हैं। कितना नुकसान है, ये तो हमको मारते हैं। नेक्स्ट, पुरकशिश और जर्द केले जो पके हुए नज़र आते हैं, इस तरह कई फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और दूसरे कुछ कीमियाई मादों का इस्तेमाल होता है। देखो कितना कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, क्या क्या केमिकल हम खाते हैं। उसके बाद ठंडे मशरूबात में कई बार
कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह जैसी मुजीर अशिया मिलाई जाती है। देखो कोल्ड ड्रिंक्स हम कितना शौक से पीते हैं, तो उसमें कार्बोनेटेड सोडा और फॉस्फोरिक एसिड जो है मिलाया जाता है। तो ये सब तरीके हैं जिसके ज़रिए से जो है, ठीक है आ जाओ अभी, हाँ जिसके ज़रिए से, अब हमारा टाइम भी जो है ना वो ख़त्म होता आ रहा है, तो ये सब चीज़ें, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ टीचर। ठीक है देखो, है ना, ये मिलावटी गिजा की वजह से छोटे बड़े गरीब अमीर सभी की सेहत को खतरा लाहक हो जाता है, और गिजा में मुख्तलिफ मिलावटी अशिया के मुख्तलिफ असरात भी होते हैं। कुछ मिलावटी अशिया के ज़रिए पेट के अमराज या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जबकि कुछ मिलावटी गिजाएँ तवील अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो कैंसर भी हो सकता है। ठीक है चलो, मैं ना अब मेरे पास वक्त नहीं है इतना, मैं ना फटाफट तुम लोगों को पूछती हूँ, एक एक बच्चे ने जवाब देना। दूध में किसकी मिलावट करते हैं? टीचर पानी। अरे अरे एक 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 एक, हाँ बच्चे एक एक पानी। लाल मिर्च में क्या मिलाते हैं? ईट का पाउडर। वेरी गुड, वेरी गुड। आइसक्रीम में क्या मिलाते बोलो, बड़े शौक से खाते हम? कागज। कागज की लुद्दी, वेरी गुड, है ना। रवे में क्या मिलाते हैं? लोहे का लोहा। लोहे का बुरादा मिलाते हैं, वेरी गुड। और हल्दी में क्या बनाते हैं? कोई वो केमिकल का नाम बताएगा मुझे, कौन सा? येलो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे अभी माइक ऑफ कर लो बच्चों, तुम लोग है ना एकदम एक्सपर्ट हो गए हो साइंस में, एकदम अच्छा, बहुत उम्दा, वेरी गुड, वेरी नाइस एंड थैंक यू। अभी मैं तुम लोगों को झट से एक होमवर्क देती हूँ, हाँ होमवर्क गौर से सुनो, सब माइक ऑफ करो और है ना एक मेरा एक होमवर्क गौर से सुनो, जल्दी सुनो। आपके घर में माइक सबका ऑफ, बहुत आवाज आ रही है, सबके माइक ऑफ, आपके माइक ऑफ। आपके घर में या आपके अतराफ में गिजा किस तरह बर्बाद होती है, इसकी मालूमात हासिल करो, उसकी लिस्ट बनाओ। और दूसरा काम, आपका फेस नहीं आ रहा है मेरे फेस से? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ रहा है ठीक है। अभी पहला मेरा होमवर्क सुनो, आपके घर में या आपके अतराफ में गिजा किस तरह बर्बाद होती है, इसकी मालूमात लिखिए। और दूसरा सबसे मेन काम, इस बर्बादी को आप किस तरह बचा सकते, इस बात का मशवरा लिखिए उसके अंदर। ठीक है बच्चों, होमवर्क याद रहेगा ना, गिजा कैसे बर्बाद होती है और बर्बादी से कैसे बचाया जाए, इसको इसका मशवरा चाहिए। ओके मुझे सेंड करना जरूर इंशाल्लाह। ओके अभी हम जो है यहाँ पर, हमारा टाइम भी हो गया है, और जो है ये सब चीज़ें याद रखो। और बच्चों एक खास बात, जो बच्चे इस ऑनलाइन टीचिंग में या जिनके पास मोबाइल या नहीं है और आपके अतराफ में, वो किसी भी स्कूल के हो, किसी के भी हो, सातवीं जमात के हो, किसी भी मीडियम के हो, आप ये मालूमात उनको पहुँचाइए, ठीक है। तो हमारे इतनी मेहनत करने yes, का फायदा भी आपको भी नहीं किया है और हमको भी। ओके थैंक यू, थैंक यू, लेसन ओवर, ठीक है।